दुर्गा पूजा समिति लाल दरवाजा मथुरा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। चार दिवसीय इस दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आयोजन है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। ये शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव है। आज का हमारा प्रतियोगिता है नचवली, है मेल और फीमेल का है। इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? इसमें फर्स्ट दिन हुआ था फैंसी ड्रेस और चित्रकला और म्यूजिकल चेयर। दूसरे दिन हुआ था हमारा माँ और बेटी और बेटे का डांस कॉम्पिटिशन था। रात का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चला था, जो कि हमारी सब बहनें थी, उन्होंने हमारा सहयोग करा, कोरियोग्राफर थे। काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम चला। क्या उद्देश्य है इन कार्यक्रमों को कराने का? कार्यक्रम का उद्देश्य ये कि हर बच्चे को हर जगह मंच नहीं मिल पाता है कि स्कूल के अलावा। मेरा उद्देश्य ये कि हर बच्चे इस मंच पे आए और अपना अपना योगदान दिखाएं, अपनी जो कलाकार हैं वो अपनी कला को आगे प्रदर्शन करें। आज ये 28 साल हो गए इस पूजा को चलते हुए। आगे कोशिश यही करूँगी कि जब तक हूँ बच्चों को हर मंच पर आगे लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे को मंच मिलने में बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, उसको सोचना पड़ता है। स्कूल के अलावा वो हर मंच पे नहीं जा पाता है। तो कोशिश यही है जब तक ये पूजा है और हम सब हैं कमेटी वाले, तब तक हमारा कार्यक्रम ऐसे ही है, आगे सिलसिला चलता रहे। और आज का हमारा प्रोग्राम है सम्मान समारोह है और आगरा से ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है। दुर्गा पूजा समिति लाल दरवाजा मथुरा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। चार दिवसीय इस दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आयोजन है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। ये शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव है। आज का हमारा प्रतियोगिता है नचवली, है मेल और फीमेल का है। इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? इसमें फर्स्ट दिन हुआ था फैंसी ड्रेस और चित्रकला और म्यूजिकल चेयर। दूसरे दिन हुआ था हमारा माँ और बेटी और बेटे का डांस कॉम्पिटिशन था। रात का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चला था, जो कि हमारी सब बहनें थी, उन्होंने हमारा सहयोग करा, कोरियोग्राफर थे। काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम चला। क्या उद्देश्य है इन कार्यक्रमों को कराने का? कार्यक्रम का उद्देश्य ये कि हर बच्चे को हर जगह मंच नहीं मिल पाता है कि स्कूल के अलावा। मेरा उद्देश्य ये कि हर बच्चे इस मंच पे आए और अपना अपना योगदान दिखाएं, अपनी जो कलाकार हैं वो अपनी कला को आगे प्रदर्शन करें। आज ये 28 साल हो गए इस पूजा को चलते हुए। आगे कोशिश यही करूँगी कि जब तक हूँ बच्चों को हर मंच पर आगे लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे को मंच मिलने में बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, उसको सोचना पड़ता है। स्कूल के अलावा वो हर मंच पे नहीं जा पाता है। तो कोशिश यही है जब तक ये पूजा है और हम सब हैं कमेटी वाले, तब तक हमारा कार्यक्रम ऐसे ही है, आगे सिलसिला चलता रहे। और आज का हमारा प्रोग्राम है सम्मान समारोह है और आगरा से ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है।